वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप जी दे नाल बहुत जरूरी इतिहास साझा करना है, सो बने रहो साडे नाल इस वीडियो विच। ते जे तुसी साडे चैनल ते नवे आए हो तां साडे चैनल हुणे सबसक्राइब करो ताकि साडियां नवीआं तों नवीआं इतिहासिक वीडियोज़ तुहाडे तक पहुँच सकण। सो आम असी कह दिंदे हाँ कि साहिबजादियां नूं नीहां विच चिण के शहीद किया गया सी, पर जो उन्हां नूं तसीहे दित्ते गए इन्नी छोटी उमरे एडा वड्डा कारनामा करना किसी के बस की गल नहीं। असल में जदों माता गुजर कौर जी ते छोटे साहिबजादियां नूं गंगू पापी ने वजीर खां दे हवाले किया ते उन्हां नूं ठंडे बुरज में कैद कर दिता गया। ठंडा बुरज धरती तो 72 फुट की उचाई ते सी, उस दे नाल एक नदी बगदी सी ते जदों हवावां आउंदियां सन ते नदी नाल टकरा के बुरज वल जांदियां सन। कहिंदे ने कि वह हवावां इन्नियां ठंडियां सन कि गर्मी के दिनों में भी बंदे नूं कंबणी छिड़ जांदी सी। इतिहासकार लिखते हैं कि वह हड्डां नूं चीरन वाली ठंड सी ते ठंड विच उन्हां दे पैर उन्हां दे हाथ ते उन्हां दे बुल भी नीले पै गए सी। साहिबजादियां दी 3 बार कचहरी विच पेशी हुई ते कचहरी विच शेर मुहम्मद खां नूं सद्या गया, जिस दे भरा नूं धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चमकौर दी जंग विच मारिया सी ते उस जरनैल दा जिक्र गुरु साहिब ने जफरनामे विच भी कीता सी। ते शेर मुहम्मद खां नूं वजीर खां ने आख्या कि गुरु गोबिंद सिंह ने तेरे भरा नूं मारिया है, हुण तू उसके पुत्रां तो अपने भरा का बदला लै लै। ते शेर मुहम्मद खां ने हाँ का नारा मारिया साहिबजादियां दे हक विच ते कहा कि मेरा वैर इसके पिता नाल है, गुरु गोबिंद सिंह नाल मैं दो हथ करांगा पर जंग के मैदान विच उसके बच्चियां नाल मेरा कोई वैर नहीं। बदला ही लेना होगा तो लेंगे बाप से, महफूज रखे खुदा हमें ऐसे पाप से। ते शेर मुहम्मद खां ने वजीर खां नूं आख्या कि तुम ये कैर ना कमाई, मुसलमानी शरा यह नहीं आखदी कि किसी बच्चे नूं खत्म किया जाए, किसी बजुर्ग ते हमला नहीं करना, किसी बच्चे ते हमला नहीं करना, देखी कि ते शरा तो उल्ट ना चले जाए। तो यह गल कह के मलेर कोटले वाला शेर मुहम्मद खान कचहरी तो चलिया गया। तो बाद विच वजीर खान ने साहिबजादियां नूं डराया धमकाया तो तसीहे भी दिते। जदों पहले दिन की कचहरी सी तो उस जालम वजीर खान नूं जवाब दिंदे रहे। तो पहली कचहरी विच साहिबजादियां नूं तूत दी पतली शमक हुंदी है, उस नाल साहिबजादियां नूं तसीहे दिते गए। तो जदों दूसरे दिन दूसरी कचहरी विच साहिबजादे नहीं मन्ने तो उन्हां दीआं उंगलां विच जालमां ने पलीते लाए, इस करके कि वह डर के साडा धर्म कबूल कर लैण। तो साहिबजादियां ने गज के फतेह बुलाई, भरी कचहरी विच जकारे छड्डे। तो साहिबजादियां ने आख्या कि तुहानूं की लगदा सी कि असीं गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां नूं झुका लवांगे, सानू झुकाउण वाला इस दुनिया ते पैदा नहीं होया। तो वजीर खां ने आख्या कि तुहाडे दोवें भरा चमकौर की जंग विच मारे गए ने, तुहाडे पिता नूं भी फड़ लिया गया है। तो बाबा फतेह सिंह जी ने वजीर खां नूं जवाब दिता कि मेरे पिता नूं फड़न वाला इस दोहां जहाना ते कोई पैदा नहीं होया। तो जदों तीसरा दिन तीसरी कचहरी ते तीसरी कचहरी विच साहिबजादियां नूं पुछया गया कि जे तुहानूं छड्ड दईए ते तुसीं की करोगे, ते साहिबजादियां ने कहा कि असीं फिर तो जंग दे मैदान विच तुहाडा टाकरा करांगे, जब तक तुहाडे राज दी जड़ नहीं पुट्टी जांदी, तुहाडा राज खत्म नहीं हो जांदा, तां तुहाडे खिलाफ असीं बगावत करांगे, तुहाडे नाल दो दो हथ करदे रहांगे। यह सब सुन के सुच्चा नंद ने वजीर खां नूं आख्या कि सप्प दे बच्चे ने, सप्प दे बच्चे सपोड़िए सप्प तो भी खतरनाक हुंदे ने, इन्हां नूं खत्म कर दिता जावे तां चंगा है। ते काजी नूं कहा कि फतवा लाओ, ते काजी ने कहा कि इन्हां नूं नीहां विच चिण दिता जावे। ते जदों नीहां विच चिणन लगे तो साहिबजादा फतेह सिंह जी उन्हां दा कद भी छोटा सी, ते जदों नींह उसरदी उसरदी उन्हां दे गोडे तक आउण लगी ते जदों शाशल बेग इट तोड़न लगा ते वजीर खां ने कहा कि ओ शाशल बेग ये की कर रहा है। शाशल बेग ने कहा कि गोडे की चपड़ी विच आउंदी है, इट तोड़ के लाउणी पवेगी। वजीर खां ने कहा कि इट तोड़न की कोई लोड़ नहीं, चपड़ी विच आउंदी है तो गोडे तो चपड़ी अलग की जाए। साहिबजादा फतेह सिंह जी की 7 साल उम्र ते साहिबजादा जोरावर सिंह जी की 9 साल उम्र, तो उन्होंने गोडियां तो उन्होंने चप्पणियां अलग कर दित्तियां गईयां। जदों नींह पूरी हुई तो साहिबजादे बेहोशी की हालत विच सी, ते जदों नींह डिगी तो वजीर खां ने कहा कि हुण इन्हां नूं पुछो कि इन्हां नूं दीने इस्लाम कबूल है। शाशल बेग ते बाशल बेग ने साहिबजादियां नूं पुछया कि तुहानूं दीने इस्लाम कबूल है, तो साहिबजादियां तो उस समय बोलिया नहीं गया। तो उन्होंने सिर हिला के कहा कि नहीं, सानूं दीने इस्लाम कबूल नहीं है। तो वजीर खां ने कहा कि इन्हां नूं जींदे ना छड्डो, इन्हां दी गर्दना कट के इन्हां नूं मार दिता जावे। तो साध संगत इतिहास पूरा नहीं दस्या जाता, जो असी 4 साहिबजादे मूवी देखी है उस विच दिखाया गया है कि साहिबजादियां दी गर्दना एकदम कट के धड़ तों अलग कर दित्तियां गईयां,
पर मुसलमान धर्म विच गर्दन नूं एकदम धड़ तों अलग कर देना नहीं मन्निया जांदा। मुसलमान धर्म विच ज़िबा करना मन्निया जांदा है। उन्हां जलादां ने शाशल बेग ते बाशल बेग ने साहिबजादियां दी पिठां दे उत्ते गोडे रखे ते एक हथ उन्हां दे चेहरे नूं पाया ते छुरी गर्दन दे उत्ते हौली हौली फेरनी शुरू कर दित्ती। हौली हौली उन्हां दी सारी रग कट दित्ती गई। सब तों पहलां बाबा जोरावर सिंह जी शहीदी प्राप्त कर गए ते इतिहासकार लिखदे हन कि जदों बाबा फतेह सिंह जी दी गर्दन धड़ तों अलग होई ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ 12 ਮਿੰਟ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ